हम लोग चैप्टर कर रहे हैं शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। शेयर कैपिटल को करने से पहले हम लोगों को समझना जरूरी है कि व्हाट इज शेयर कैपिटल, व्हाट इज। तो जब कंपनी का क्या करेंगे हम, कुछ हिस्से को बेचकर, माने कैपिटल का कुछ पार्ट को बेच करके पूंजी को जब रेज कर लेंगे उसे हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी का शेयर को बेच करके जब हम पैसा उठा लेंगे, शेयर का मतलब क्या, पूंजी का कुछ हिस्सा, पूंजी का कुछ हिस्सा, उसका सर्टिफिकेट बना देते हैं, पूंजी का कुछ हिस्सा बेच करके जब हम पैसा को रेज करेंगे उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं हम लोग, समझ रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ रहे हैं। शेयर को अगर बात करें, शेयर कैपिटल को बात करें, तो शेयर का मतलब होता है कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट में बांट देना, कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट में। मान लो 10 लाख रुपया का पूंजी लगाया है बिजनेस में, 10 लाख रुपया का पूंजी लगाया है, तो इसको मान लीजिए 1 लाख शेयर में डिवाइड कर देंगे, माने प्रत्येक शेयर 10 रुपया का, प्रत्येक शेयर। तो क्या करेंगे, जब कैपिटल को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देते हैं उसे शेयर कहते हैं, और जब कंपनी इसी शेयर को बेच करके पूंजी को ले लेता है इसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। क्लियर है क्या? अब प्रश्न आता है कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं। तो शेयर कैपिटल 2 तरीका का होता है, जो कि आप लोग क्लास 12 में पढ़े हुए हैं। शेयर कैपिटल 2 तरीका का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। एक होता है इक्विटी शेयर और एक कौन सा होता है भाई, प्रेफरेंस शेयर। के लिए तो प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, प्रेफरेंशियल अधिकार मिलता है, लेकिन इक्विटी शेयर के लिए का तो आपको प्रेफरेंशियल अधिकार नहीं मिलता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे, यही अंतर है। क्या प्रेफरेंशियल अधिकार मिलेगा, प्रेफरेंशियल के लिए का तो आपको ये 20 साल बाद पैसा लौटा दिया जाएगा, 20 साल बाद पैसा लौटा दिया जाएगा, एक ये अधिकार हो गया। और एक दूसरा अधिकार मिलता है कि रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहेगा। रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहता है, माना जब डिविडेंड बढ़ाएगा तो आपको पता रहेगा कि आपको इतना परसेंट का डिविडेंड मिलेगा, यही अधिकार है। कंपनी बंद हो जाएगा, सबको पैसा देने से पहले प्रेफरेंस वाला को पैसा दिया जाएगा, माना सबको दे दिए, अब लास्ट में शेयर होल्डर को देना है, तो कौन सा शेयर होल्डर को पहले पैसा दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। किसको बोलिए, जो व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर कीनेगा उसे क्या कहेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो व्यक्ति इक्विटी शेयर कीनेगा उसे क्या कहेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे। और इक्विटी शेयर में क्या है कि रेट ऑफ डिविडेंड आपको फिक्स नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ डिविडेंड आपको फिक्स नहीं मिलेगा। एक बार पैसा दे दिए तो पैसा वापस नहीं किया जाएगा आपका, कंपनी जब तक जिंदा रहेगा तब तक कंपनी में बना रहेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे। और कंपनी बंद हो गया तो सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा, किसका बात करें, इक्विटी शेयर, किसका बात कर रहे हैं, क्लियर है क्या। अब इक्विटी शेयर भी 2 तरीका का होता है, इक्विटी शेयर भी 2 तरीका का होता है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। इक्विटी शेयर कितना तरीका का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट, विद वोटिंग राइट का मतलब होता है एक शेयर एक वोट, एक शेयर माने पावर हाथ में आ जाएगा, कंपनी में जाकर आप बोल सकते हैं, डिसीजन लेने में बोल सकते हैं, आपका बात को सुना जाएगा, इसको हम कहते हैं विद वोटिंग राइट। क्या कहते हैं, और एक होता है शेयर डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब 20 को शेयर किने को तो एक वोट, या 50 को शेयर किने को तो एक वोट। डीवीआर मतलब तुमको उतना वोटिंग राइट का अधिकार नहीं देंगे, बोलने का अधिकार नहीं देंगे, समझ रहे हैं, ताकि कंपनी होस्टाइल टेक ओवर से बचा रहे, होस्टाइल टेक ओवर कंपनी को टेक ओवर ना करे, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे, कंपनी को चलाने में दिक्कत ना हो, समझ पा रहे। ये सबसे बचे रहने के लिए हम लोग कौन से शेयर दे देते हैं, डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। बोलो क्या बोले, माना ये किनोगे ना तो अधिकार नहीं मिलेगा, ज़्यादातर आजकल कंपनी डीवीआर ही बेचता है, समझ पा रहे हैं। विद वोटिंग राइट वाला बहुत महंगा भी होता है और लोग कम बेचता है। विद वोटिंग राइट का मतलब एक शेयर बेचे तो एक वोटिंग राइट, मान लीजिए आपका 50% शेयर के लिए कंपनी का, ये वाला वोटिंग राइट वाला मतलब आपका कंपनी का मालिक हो जाएगा, आपका कंपनी का वो होल्डिंग बन जाएगा, समझ पा रहे हैं। 50% वोटिंग पावर, मैंने 50% ऐसा वाला शेयर के लिया, यानी 50% वोटिंग पावर एक बार कर लिया, माने आपका वो होल्डिंग बन जाएगा, आप उसका क्या बन जाइएगा, सब्सिडियरी। लेकिन ये डीवीआर, समझ रहे हैं, कितना भी किने ज़्यादा असर नहीं होगा, ज़्यादा असर नहीं होगा। किसका बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। बोलो क्या बोले हैं, क्लियर है, बोलिएगा तब तो, क्लियर है बोलो। तो कौन सा बेचोगे, कंपनी खोलेगा तो शेयर वोटिंग राइट वाला के डीवीआर, समझ पा रहे हैं। इससे क्या चीज़ से बचे रहेंगे भाई, क्या चीज़ से बचे रहेंगे। अच्छा, डीवीआर वाला शेयर को ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं, डीवीआर वाला शेयर को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर को ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं, उसको इक्विटी कहते हैं, ये ऑर्डिनरी है, वो क्या है, इक्विटी। सुने हो ना कि इक्विटी शेयर कहें, दूसरा नाम है ऑर्डिनरी, लेकिन ऑर्डिनरी जब आ जाएगा समझ जाना डीवीआर वाला शेयर दिया है, कौन सा शेयर दिया है,
डीबीआर वाला शेयर दिया, समझ पा रहे? डीबीआर समझ गया क्या बोले? यहाँ पे एक शेयर एक वोट, एक शेयर एक वोट, यहाँ पे एग्जांपल के लिए 100 शेयर एक वोट, 100 वो शेयर किनेगा ना तो एक वोट मिलेगा, किनो कितना किनना तुमको, समझ रहे क्या बोल रहे? इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? ये कौन सा शेयर है? प्रेफरेंस शेयर। कौन सा शेयर? प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप्स है, एक है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अकाउंट्स बनाते समय ये वर्ड आया होगा या आएगा भविष्य में, नहीं आया होगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है एरियर ऑफ डिविडेंड शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, एरियर ऑफ डिविडेंड शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। माने मान लो रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स रहता है, इसमें रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहता है भाई? फिक्स रहता है। अगर रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिला, रेट ऑफ डिविडेंड अगर नहीं मिला हुआ, माने डिविडेंड नहीं मिला इस साल, मान लो प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 एग्जांपल दे रहे हैं, और 1,00,000 का रेट ऑफ डिविडेंड 10% फिक्स है, 1,00,000 का 10% फिक्स है, माने कितना? 10,000 मिलना है। क्या मिलना है? डिविडेंड। मान लीजिए इस साल कंपनी नहीं दिया तो अगला साल ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, माने अगला साल क्या होगा? पिछला साल का 10,000 और इस साल का 10,000, माने पिछला साल का 10,000 इस साल का 10,000 कितना हो जाएगा? ये भी नहीं मिला तो अगला साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे? मतलब मतलब अगर नहीं दीजिएगा तो कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा मुनाफा, जब दीजिएगा तब एक सम जोड़ के देना होगा। इसको क्या कहेंगे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बोलो क्या बोले? एक होता नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बोलो क्या बोले? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या? डिविडेंड इस साल अगर मिला तो ठीक है ले लीजिए, नहीं मिला तो भूल जाएंगे, मिला तो ओके, नहीं मिला तो भूल जाएंगे, नहीं मिलेगा। माने एरियर ऑफ डिविडेंड शुड बी नॉट कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑप्शनल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, कंपनी का मन करेगा तो डिविडेंड देगा, नहीं मन करेगा तो डिविडेंड नहीं देगा, तो नहीं मन करेगा तो नहीं दिया। हाँ तुम ही वाला लिए हो तो भुला जाओ डिविडेंड, समझे क्या बोले? कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, समझे क्या बोले? इसमें कैरी फॉरवर्ड होगा, इसमें कैरी फॉरवर्ड, क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बोलोगे तब तो बढ़ेंगे, बोलो क्यों नहीं बोल रहे हो? रिडीमेबल, जिसका पैसा लौटाना पड़ेगा 20 साल बाद, मैक्सिमम टेन्योर पीरियड कितना साल है? 20 साल। रिडीमेबल, जिसका रुपया लौटाना पड़ेगा, अमाउंट रीपेबल, समझ पा रहे? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज मैक्सिमम पीरियड 20 इयर्स, दैट इज मैक्सिमम पीरियड 20 इयर्स, मैक्सिमम कितना साल है? 20 साल। किसका बात कर रहे? रेडीमेबल किसका बात कर रहे हैं? और एक होता है इरेडीमेबल। बोलो क्या बोले हैं? इरेडीमेबल का मतलब क्या होता है भाई? अमाउंट रुपया लौटाने का दरकार नहीं है। कब तक? जब तक कंपनी जिंदा रहेगा, जब तक कंपनी जिंदा रहेगा रुपया लौटाने का दरकार नहीं है, उसे क्या कहते हैं? इरेडीमेबल। क्या कहते हैं? इरेडीमेबल को परपिचुअल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माने जब तक कंपनी जिंदा रहेगा तब तक रुपया लौटाने का दरकार, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? माने जब तक कंपनी जिंदा है तब तक रुपया लौटाने का दरकार। लेकिन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इंडिया में इशू नहीं हो सकता है, दिस इज डिसअलाउड, ये इरिडीमेबल इशू नहीं किया जा सकता। तो पढ़ा क्यों रहे? नॉलेज के लिए पढ़ा रहे, इशू करने के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहे, समझे क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? इरिडीमेबल किसका बात कर रहे हैं? माने इंडिया में इशू इसको नहीं किया जा सकता है, समझ गए? माने इसका रुपया कब लौटेगा? जब कंपनी बंद हो जाएगा तब, कंपनी चलते रहेगा तो लौटाने का दरकार नहीं है। इसको हम परपिचुअल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? परपिचुअल। बोलो क्या बोले हैं? परपिचुअल। समझते जा रहे हैं कि बोलते जा रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। नेक्स्ट हम लोग का पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग, बोलो क्या बोले हैं? पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है अपना पैसा पहले ले लिया, अपना पैसा ले लिया, और इक्विटी वाला लोग को डिविडेंड बांट रहे हैं, उसमें भी लाइन में हिस्सा लग गया, हमको भी दो, उसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। क्या कहते हैं? मान लो उसका डिविडेंड 10,000 ले लिया, अब किसको बांटने जा रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर में भी लाइन में लग गया कि हमको भी दो और उधर से भी लेगा। घर में होता है ना कुछ दुलर हुआ बच्चा लोग होता है, हिस्सा उसको दे दो कुछ खाने का, घर में तो हिस्सा लगा के दे दिया जाता है, बचपन में हम लोग को हिस्सा लगा के दिया जाता है ना, जैसे आम का सीजन है, अभी मैंगो का सीजन है तो मैंगो हिस्सा लगा के दे दिया जाता है। मान लीजिए अपना दुलर हुआ लड़का जल्दी जल्दी खा गया, दूसरा का भी हिस्सा में लाइन लग गया, बोला और दो हमको, ऐसा होता कि नहीं होता है? कौन कौन किया, कौन कौन दुला रहा है इधर, एक ही जन है और नहीं है आप है। समझ रहे क्या बोल रहे? दूसरा का हिस्सा में भी हिस्सा ले लेगा, इसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटिंग। समझ रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ रहे? ऐसे लोग करते हैं घर में, तो वैसे ही अगर पार्टिसिपेटिंग वाला हक लिए हो तो तुमको अपना डिविडेंड तो मिलेगा, जो सरप्लस डिविडेंड हुआ, जो ज़्यादा डिविडेंड हुआ उसमें भी लाइन लगा के हम ले लेंगे, इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। क्या कहते हैं?
और एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, अपना चुपचाप डिविडेंड लो और शांत रहो, लाइन लगने का दरकार नहीं है, समझे, अपना चुपचाप हिस्सा लो और भागो इधर से। नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन था? नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन था बोलिए? तो फायदा कौन था? क्यूमुलेटिव का मतलब एरिया ऑफ डिविडेंड शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। नॉन क्यूमुलेटिव माने एरिया ऑफ डिविडेंड शुड बी नॉट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। रिडीमेबल मींस अमाउंट रीपेबल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज मैक्सिमम पीरियड 20 ईयर्स। और इरिडीमेबल माने अमाउंट रीपेबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग आउट द कंपनी, बट दिस इज डिसअलाउड इन इंडिया। इंडिया में क्या डिसअलाउड है, समझ पा रहे? फिर क्या पार्टिसिपेटिंग माने अपना डिविडेंड लिया फिर इक्विटी को बटर उसमें भी लाइन लगा के दिया। नॉन पार्टिसिपेटिंग माने समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, बोलिए। गांव वाला कहानी है पार्टिसिपेटिंग की तरह, गांव में लोग पहले भोज खा लेता है फिर बोलता घर के ले जाना है तो थाली में दो, समझ पा रहे हैं? तो वैसे करते पार्टिसिपेटिंग की तरह माने पहले खा लेंगे फिर एक तो थाली दे देंगे, दीजिए इसमें घर के ले जाएगा, समझ रहे हैं? ऐसा होता है। और एक होता है आप लोग का कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, बोलो कन्वर्टिबल माने प्रेफरेंस दूसरे शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेफरेंस इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेफरेंस इक्विटी में, इसको कहते हैं कन्वर्टिबल। क्या कहते हैं कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि एक शेयर दूसरे में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, एक शेयर दूसरे में क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कन्वर्टिबल, माने इक्विटी प्रेफरेंस शेयर बन जाएगा इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर क्या बन जाएगा, इसको हम कहते हैं कन्वर्टिबल। क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं? जैसे लोग भी कन्वर्ट होते हैं, साइंस में नाम लिखवा लिया उसका अब अच्छा नहीं लग रहा तो कॉमर्स में कन्वर्ट हो गया, साइंस आर्ट्स में आ जाएगा, क्यों बात ठीक है, कोई बात नहीं है, आ ही सकता है। किसका बात कर रहे हम लोग, बट हम लोग आर्ट्स का नाम दे रहे हैं गुणा है, किसका बात कर, कन्वर्टिबल बोलो क्या बोले, तो कन्वर्ट हो गया, समझ रहे? या मान लीजिए कॉमर्स ले लिया उसको आर्ट्स वाला टीचर इतना भड़का दिया, इतना मोटिवेट कर दिया कि कन्वर्ट हो गया, कहाँ कन्वर्ट हो गया, आर्ट्स में हो गया, समझ पा रहे? समझ रहे क्या बोल रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं लोग, कन्वर्टिबल, किसका कन्वर्ट तो लोग होता ही नहीं, समझ रहे? फिर आता है लोग का नॉन कन्वर्टिबल, कौन सा नॉन कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, जो कन्वर्ट नहीं होगा, जो कन्वर्ट नहीं होगा वो एकदम फिक्स कर लिया, हमको आर्ट से लेकर पढ़ना है चाहे सलाहाबाद हो चाहे बर्बाद हो, वो साइंस से लेकर पढ़ना फिक्स है एकदम मेंटली तौर पर। कन्फ्यूजन वाले लोग कन्वर्ट होते हैं, बिना कन्फ्यूजन वाले लोग कन्वर्ट नहीं होते, वो कन्फ्यूज है कहाँ पढ़े नहीं पढ़े, तो उसको कन्वर्ट कराओ, जो बोलोगे वही पढ़ लेगा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर, नॉन कन्वर्टिबल, कौन सा बोलिए, समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे, पक्का? तो पहला कौन सा मतलब अपना लिया क्लियर है क्या, पक्का? आगे बढ़े, बोलिएगा तब ना आगे बढ़ेंगे। सुनिए, पैसा लौटाने को सुनिए, रिडम्पशन कर रहे प्रेफरेंस शेयर को हम पैसा लौटाने जा रहे हैं, तो सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन क्या है, हम लौटाएंगे तो कहाँ से लौटा सकते हैं? देखिए, हम पैसा लौटाने जा रहे हैं तो इसके स्रोत दो है, या तो फ्री रिजर्व से आप लौटाइए, या तो इशू अदर क्लास ऑफ शेयर, फ्रेश इशू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर। आप पैसा मान लो 100,00,000 रुपया लौटाने जा रहे हो, 100,00,000 लौटाने जा रहे हो, तो या तो आप फ्री रिजर्व से इस्तेमाल करो, फ्री रिजर्व माने ऐसा रिजर्व जो किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्री रिजर्व समझ रहे हैं? जैसे मम्मी पापा लोग कमा कमा के बैंक में रुपए जमा कर रहे हैं, उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि किस काम में लगेगा, वो फ्री रिजर्व में हमारे जो कमा कमा के रुपया रख रहे हैं किसका शादी करेंगे, तो उसका उद्देश्य वो फ्री रिजर्व नहीं है, उसका बात नहीं, उसकी एग्जाम्पल दे रहा है, वो फ्री रिजर्व नहीं है, उसका उद्देश्य है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? लेकिन खाली कमा के जमा कर रहे हैं तो किसी पर्पज में इस्तेमाल हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रिजर्व। क्या कहते हैं, अच्छे से सुना, तो फ्री रिजर्व दो, इधर देखिए इधर दीदी, फ्री रिजर्व आप दीदी हमारे बोलिए, सुनिए, फ्री रिजर्व दो रिजर्व विचार यूज फॉर एनी पर्पज ऑन एवरी पर्पज, एनी पर्पज ऑन उसे क्या कहते हैं, फ्री रिजर्व। क्या कहते हैं, तो फ्री रिजर्व से आप लौटा सकते हैं पैसा, मान लो रिडीम कर सकते हैं, नहीं तो नया शेयर बेच लो,
फ्रेश इशू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर, दूसरे क्लास का शेयर बेच लो, लौटाना है तो शेयर बेच के पैसा मंगा लो। तो इसके स्रोत क्या है बाबा? फ्री रिजर्व। क्या बोलिए? और फ्रेश इशू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर। अब फ्री रिजर्व के अंदर क्या आता है? जनरल रिजर्व सरप्लस, समझ रहे? जनरल रिजर्व सरप्लस, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इनकम टैक्स रिजर्व, समझ रहे? डेवलपमेंट रिजर्व, जो भी रिजर्व वाला रुपया है वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? फ्री रिजर्व में। कहाँ आते हैं? क्लियर है क्या? पक्का? मैक्सिमम कितना टाइम है भाई लौटाने का? 20 साल। कितना साल? सुनिए ध्यान से, ये प्रेफरेंस का पैसा लौटाने के लिए एक तो फंड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बोलो क्या बोले? इसको रुपया लौटाने के लिए एक तो फंड बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बोलो क्या बोले? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या चीज से बनता है? फ्री रिजर्व से बनता है। क्या चीज से बनता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डन थ्रू द क्या चीज? फ्री रिजर्व। कैसे बनेगा भाई? फ्री रिजर्व से। क्लियर है क्या? अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मान लो इक्विटी शेयर बेच दिए, इक्विटी शेयर बेच दिए तो अलॉट करो, अलॉट करो मैंने उसके नाम से शेयर को अलॉट करो, बेच के बैंक में क्यों पैसा रखे हो? समझे? तो आप क्या करिए? अलॉट करिए। अब अलॉट कब करेंगे? सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ 60% शेयर बिक जाएगा तो हम शेयर का अलॉटमेंट दे देंगे, माने 100,000 शेयर बेचने जा रहे हैं, अगर 60% बिक जाएगा माने 60,000 बिक गया तो हम अलॉटमेंट दे देंगे, समझ रहे? या कुछ नहीं लिखा हुआ प्रोस्पेक्टस में तो कम से कम 90% शेयर बिक जाना चाहिए। 100,000 बेचने गए हैं तो उसका 90% मतलब 90,000 शेयर बिकेगा तो ही हम अलॉटमेंट दे सकते हैं, नहीं तो पैसा को वापस करना पड़ेगा। पैसा को क्या करना पड़ेगा? इसको हम क्या कहते हैं? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। क्या कहते हैं? तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर कब होगा भाई? अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस, इफ प्रोस्पेक्टस इज साइलेंट देन एटलीस्ट 90% शेयर मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, क्लास 2 में पढ़ाई भी, समझ रहे? अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि इतना परसेंट तो उतना बिक जाने दो, अगर उतना नहीं लिखा हुआ परसेंटेज तो कम से कम कितना परसेंट बिकने दो? 90% से बिकने दो, तब जाके अलॉटमेंट होगा, नहीं तो रुपया को रिफंड करना पड़ेगा तुम्हें, समझे? क्या बोले? फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है भाई? पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे? वो मेरा शेयर का पैसा मारा, हम शेयर मार लेंगे, समझा? क्या बोले? इसको कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। एक नोटिस देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस के तहत वो पैसा नहीं देता है तो शेयर को जब्त कर लेंगे। फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इसको एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, बोलो क्या बोले हैं? बोलो इसको एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, बोलो जोर से बोलो, इसको हम क्या कहते हैं? ईसॉप। ईसॉप अपने डायरेक्टर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉय को देते हैं एट अ कंसेशनल रेट, एट अ कंसेशनल रेट, समझ पा रहे? कंसेशनल रेट में दे देते हैं ईसॉप, समझे? मान लीजिए मेरा बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, इसको कुछ 2-4 शेयर पकड़ा दिए ताकि मालिक समझ के काम करे, मालिक समझ के हक नहीं जमा सकता, ईसॉप दिए हैं। क्या दिए हैं? ईसॉप दिए, हक नहीं जमा सकता है, एम्प्लॉय ही रहेगा, लेकिन मालिक समझ के बढ़िया से काम करेगा, इसको 2-4 शेयर सस्ते में पकड़ा दिए, इसको हम क्या कहते हैं? ईसॉप। क्या कहते हैं? तो ईसॉप हम एट अ कंसेशनल रेट पे देते हैं, रेट अभी डिटरमाइन कर देंगे लेकिन ये लोग फ्यूचर में कर देगा। कब कर देगा? फ्यूचर में, समय दे देंगे 2 साल बाद या 3 साल बाद, तुम मेरे शेयर रिजर्व 2 साल बाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि पैसा भी तो लोगों को जुगाड़ना पड़ेगा। अच्छा, ईसॉप देने से क्या फायदा हुआ? पैसा कैपिटल से कैपिटल भी आ गया, और एम्प्लॉई को ही क्या बना दिए? मालिक बना दिए, कहने का मालिक छुटा हुआ, सच्चा मालिक नहीं, लोगों को कुछ पावर थोड़ी रहेगा, वही रहेगा जो था वही रहेगा, समझा? क्या बोले? किसका बात करें? ईसॉप किसका, समझ रहे हैं? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक स्कीम है, इसमें अपने ऑफिसर डायरेक्टर एम्प्लॉय को शेयर को ऑफर करते हैं एट अ कंसेशनल रेट, एट अ कंसेशनल, और ये लोग कब खरीदता है? फ्यूचर में खरीदता है, तो इससे कंपनी को क्या होता है? कैपिटल भी मिल जाता है, और ये लोग मालिक समझ के काम करेगा तो और बढ़िया काम करेगा, जी जान लगा के काम करेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात करें? ईसॉप किसका, क्लियर है? ईसॉप देने के लिए पास कराना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। क्या का पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, बोलो क्या बोले हैं? स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, क्या पास कराने की, क्या चीज के लिए भाई? ईसॉप के लिए। किसके लिए? नेक्स्ट हम लोग का बाई बैक ऑफ शेयर, बोलो क्या बोले हैं? बाई बैक, नाम से ही पता चल रहा, बाई बैक ऑफ शेयर, बाई बैक ऑफ शेयर समझने से पहले समझो बाई बैक क्या होगा। बेचा हुआ किसी को सेल किया, फिर बाई बैक ऑफ शेयर, बाई बैक का मतलब होता है
ये कैलकुलेटर इनको भेज दिए, यही कैलकुलेटर वापस से इनको इन सब खरीद लिए, समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं बाइक बैक। क्या कहते हैं? बाइक बैक। ऐसा होता है, मान लो खराब समय है, जमीन बेच दिए, जमीन बेच दिए खराब समय, अब बढ़िया समय हो गया, भगवान का करिश्मा हुआ कि जमीन बेच रहा है, तो हम इसको ऊंचा कीमत देकर अपना जमीन के लिए जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं कि तुमको बेचना पड़ेगा, लेकिन ये बेच रहा, अब इसका समय खराब है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो ऊंचा कीमत दे के खरीद लेंगे, इसको बाईबैक बोलते हैं। लेकिन बाईबैक ऑफ शेयर क्या होता है? बाईबैक ऑफ शेयर का मतलब होता है कि कंपनी खुद का शेयर शेयर होल्डर से ऊंचा दाम दे के या परिस्थिति बस खरीद लेगा, इसको ऐसा सुन रहा तो इसको हम कहते हैं बाईबैक ऑफ शेयर। क्या कहते हैं? बाईबैक ऑफ शेयर मीन्स परचेजिंग ओन इक्विटी शेयर फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, खुद का इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर से खरीद लो, टू यूज द आइडल कैश, टू यूज द बहुत पैसा पड़ा हुआ है क्या करें, इससे अच्छा है कुछ काम नहीं है पैसा का तो क्या करो, ये मालिक लोग जो बिना मतलब का मालिक लोग इसको बाईबैक करो, हटाओ पैसा वापस करो, समझे क्या बोले? अब पैसा कैसे वापस करेगा? लालच दो, 10 रुपये का शेयर के बदले 15 रुपये लौटा रहे, जिसको बेच के जा रहा है बेच के जा रहा है आ ही जाएगा, 10 के बदले कितना लौटा रहे, फायदा हो ही रहा है आप लोगों को। या कभी कभी कोई कोई कंपनी ना सिचुएशन का लाभ उठा लेता है, सिचुएशन का लाभ उठा लेता है, मतलब क्या, शेयर का मान लीजिए मार्केट में प्राइस एकदम कम हो गया है, अगर वो स्टॉक मार्केट में बेचता है तो अगर 10 रुपये का शेयर है तो 2 रुपये में बेचेगा, समझ रहे? परिस्थिति खराब है तो कंपनी इस परिस्थिति का कभी कभी बदमाश का मतलब फायदा उठाने के लिए बोलता है कि हम लौटा रहे 5 रुपये करके, 10 आप लोग दिए तो हम 5 लौटा रहे, जिसको बेच के जाना मेरे को बेच के जाओ, स्टॉक मार्केट में बेचेगा तो कितना मिलेगा, और कंपनी को बेचेगा तो कितना मिलेगा, लिया कितना था शेयर होल्डर बोलवा सा कि नहीं है, तो सिचुएशन का फायदा उठा, सिचुएशन का क्या उठा रहा, समझ रहे क्या बोल रहे? या कोई कोई कंपनी क्या होता है कि ऐसा भी करता है कि शेयर का प्राइस मार्केट में क्रैश हो चुका है, समझ रहे? तो कंपनी का रेपुटेशन बचाना है, गुडविल बचाना है, तो उस समय बाईबैक करेगा, उस समय कंपनी आकर के बाईबैक करेगा कि 10 रुपये में दिए थे 10 रुपये लौटा रहे, दाम का दाम लौटा रहे, ले जाइए नुकसान नहीं होने देंगे, रेपुटेशन का बात है, समझे? इज्जत बनेगा मार्केट में, शेयर का प्राइस बढ़ता है, रेपुटेशन बना रहता है, तो रेपुटेशन बनाने के लिए भी कंपनी बाईबैक करता है, समझ पा रहे क्या बोल रहे? तो बाईबैक मीन्स परचेजिंग ओन इक्विटी शेयर फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, बोलो क्या बोले? बाईबैक मीन्स परचेजिंग ओन इक्विटी शेयर फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, तो यूज द आइडल कैश, यूज द बाईबैक करने से क्या फायदा है? कंपनी का रेपुटेशन बना रहेगा, कंपनी का रेपुटेशन बना रहेगा, होस्टाइल टेक ओवर से बच जाएंगे, टेक ओवर नहीं होगा, कंपनी टेक ओवर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, अपना बना लेगा कोई, आपका कंपनी को अपना बना लेगा, टेक ओवर हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में वो बाल ठाकरे का पार्टी था ना, ज़्यादा वो गड़बड़ किए, ज़्यादा लालच में आ गए थे, कुर्सी का लालच में पार्टी टेक ओवर हो गया, उन्हीं का विधायक लोग उन्हीं का पार्टी को टेक ओवर कर लिया, यहाँ तक सिंबल फिम्बल सब कुछ, समझ रहे? सुप्रीम कोर्ट में वो केस किए थे कि भाई मेरा पार्टी कैसे टेक ओवर हो गया, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं लीगल है, ठीक है, मैंने खत्म, अस्तित्व ही खत्म हो गया, समझ रहे? इतना बड़ा पार्टी थी उससे ना, पहले पार्टी टेक ओवर हुआ, बाद में सिंबल फिम्बल सब निशानी ही टेक ओवर हो गया, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो कंपनी में भी होता है, अगर कंट्रोल नहीं रखेगा तो टेक ओवर हो जाएगा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? और नॉर्मल छोटा बिजनेस हैक होता है, हैक ही कर लेगा लोग, समझे? हैक मैंने आपके बिजनेस को हैक कर लेगा, हैक होता है, बाद में समझ आएंगे। और टॉपिक पे आते हैं, किसका बात कर भाई साहब, इनका जैसे बिजनेस हैक हो गया हो गया है ऑलमोस्ट, उनको समझ नहीं आता है, वैसे ही हैक होता है। अरे किसका बात कर रहे हो? बाईबैक, बोलो क्या बोले? तो बाईबैक मीन्स परचेजिंग ओन इक्विटी शेयर फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, टू यूज द आइडल कैश। बाईबैक करने से क्या फायदा है? होस्टाइल टेक ओवर से बच रहेंगे, रेपुटेशन अच्छा रहेगा, इंक्रीज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, इंक्रीज ईपीएस, कैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, सुन लो ध्यान से। मान लो 5 लाख प्रॉफिट हुआ और 1 लाख शेयर है, तो प्रत्येक शेयर पर कितना हम बांट रहे हैं भाई का भाई? अब मान लो 1 लाख में से बाईबैक करते 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 हम 40,000 ही शेयर होल्डर को बचाएं, बाकी बाईबैक करते धीरे धीरे बाईबैक किए, एक बार तो कर नहीं सकते, एक बार में मैक्सिमम बाईबैक 25% हो सकता है, और करना है तो 1 साल रुको, और करना है तो फिर अगला साल करना, ऐसा नहीं आज 25 कर लिया फिर बिहार मिला 25 फिर परसों 25 बेटा खत्म कर देगा,
बेचक आया था, देखो इतना करना था तो समझे क्या बोले। हाँ हाँ, तो मान लो 5 लाख है, करते करते कितना कर दिया 40 लाख, और डिवाइड करो तो कितना 8 रुपये कर दिया, देख रहे हो 8 हुआ 50,000 कर दिया वीरेंद्र ने, बेसिक 50,000 कर दिया भेड़ा के, 1 लाख से अब था 50,000 कर दिया, मैंने कितना कर दिया 10। तो EPS बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जहाँ फायदा 1 से 5 था, अब 1 से 5 फायदा कितना हो गया 10 हो गया। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे पक्का? किसका बात कर रहे हम लोग? बाईबैक किसका बात कर रहे हैं? मैक्सिमम बाईबैक कितना हो सकता है? 25% बाईपासिंग एसएल इंजीएम, बाईपासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करा के आप कितना परसेंट बाईबैक कर सकते हैं भाई? मैक्सिमम कितना परसेंट कर सकते हैं? 25% कितना परसेंट बोलो? और मैक्सिमम 10% बाईबैक कर सकते हैं बाईपासिंग ओआर इंजीएम, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करा के मैक्सिमम कितना परसेंट बाईबैक कर सकता है? 10%। लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा लिया तो मैक्सिमम बाईबैक कितना होगा? 25%। बोलो कितना परसेंट? 25%। बाईबैक के लिए बात आपका आर्टिकल्स मस्ट बी अथोराइज, आर्टिकल्स में बात लिखा होना चाहिए कि हाँ ये कंपनी बाईबैक कर सकते हैं, ये कंपनी बाईबैक, आर्टिकल्स में नहीं लिखा होता आर्टिकल चेंज करो, बाईपासिंग ऐसा नहीं चाहिए, बाईपासिंग ऐसा नहीं, आर्टिकल को चेंज करने का ही तो नियम था। एसआर पास करा, पहला क्लास में बताया था एसआर ओआर, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऐसा सुना ध्यान से, जो पहला क्लास नहीं किया कर लेना, वीडियो दे दिया गया सारा का सारा, समझ रहे हैं? सुनो ध्यान से, तो आर्टिकल्स मस्ट बी ऑथराइज, आर्टिकल्स मस्ट बी ऑथराइज, समझ रहे हैं? और 25% के लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, 10% के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन, समझ पा रहे? बाईबैक होने के बाद, बाईबैक होने के बाद तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कर्ज को चेक किया जाएगा, बाईबैक होने के बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2:1 का मतलब होता है कि 2 लाख तुम्हारा पूंजी है तो 1 लाख ही लोन होना चाहिए, 10 लाख तुम्हारा पूंजी है तो 5 लाख ही लोन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 लाख पूंजी है लोन कर लिया 12 लाख, मैंने लोन लेके बेटा चुकता किया पैसा, बाईबैक किया लोन लेके, समझे? लोन लेके बाईबैक कर लिया, ऐसा भी लोग होता है, कर्ज लेके कर्ज देगा, बिल्कुल आदमी कर्जा लेके सजा देगा, तुम कौन चला कर रहे बाबा? वो मुक्ति पा रहा है, इसका टोपी उसका सर, उसका टोपी उसका सर, कितना दिन समझ लेते हैं, यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सुन रहे हो? मान लो कर्ज भाई साहब का मेरे पास है तो कर्ज ना है तो इन्हीं से सबक लेंगे, फिर उनसे कर्ज लगे उसको दे दिए तो फिर तो कर्ज है कि नहीं, फिर उनसे सलटना पड़ेगा, तो एक आदमी से खराब करो रिश्ता ना, 4 आदमी का रिश्ता खराब कर रहे, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? आएगा उनको तो भाई बहन कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए? 2:1, बोलो क्या बोले? 2:1 से ज्यादा भाई बैक नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे? अच्छा ए 6 महीना तक भाई बैक कर लिया ना तो 6 महीना तक शेयर बेचने नहीं देंगे, 6 महीना तक शेयर बेचने यार करो, बहुत पैसा था तभी ना तुम भाई बैक किया, कहा शेयर बेच रहा है? जब यही करना था तो भाई बैक क्यों किया? जब तुमको शेयर बेचना था तो भाई बैक, समझ? 6 महीने तक इंतजार करिए, समझ रहे क्या बोल रहे? एक बार बाई बैक बोल दिया करेंगे तो इट कैनॉट बी विथड्रॉन, एक बार वादा कर दिए तो निभाना पड़ेगा, वादा किए तो निभाना पड़ेगा, पैसा लौटाओ चुपचाप, समझ पा रहे? मिनिमम गैप बिटवीन 2 बाईबैक एटलीस्ट 1 ईयर, 2 बाईबैक करना और 25% करना, तो 1 साल आज बाईबैक किया तो यहाँ से 1 साल रुको अब अगला साल करना, समझा? मिनिमम गैप बिटवीन 2 बाईबैक कितना? 1 साल, कितना साल? तो बाईबैक का मतलब क्या होता है? खुद का शेयर खरीद लो, किस लिए? रेपुटेशन के लिए, EPS बढ़ाने के लिए, हॉस्टाइल टेक ओवर से बचने के लिए, डाइल्यूशन कंट्रोल बाहर ना चला जाए, मेरा कंट्रोल बाहर ना चला जाए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बाईबैक, बाईबैक का सेक्शन है 68, बाईबैक का सेक्शन कितना है? 68। मैक्सिमम बाईबैक कितना परसेंट कर सकते हैं? बाईपासिंग SRNG नहीं, ओआर ही पास हो पाया तो क्या पास? 10%, कितना परसेंट? बाईबैक के बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए? 6 महीने तक फ्रेश इशू शेयर नहीं करना है, एक बार बाईबैक का अनाउंस हो गया तो विथड्रॉन नहीं हो सकता है। मिनिमम गैप बिटवीन 2 बाईबैक कितना साल होना चाहिए? 1 साल, कितना साल? चलिए मार्क करते हैं जितना।